नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं अयोध्या में राम कथा पार्क में मौजूद हूं, जहां पर राम और सीता का सांकेतिक पूजन किया जा रहा है। भगवान श्री राम और सीता का यहां पर राज्याभिषेक भी किया जा रहा है सांकेतिक तौर पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद हैं, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी मौजूद हैं, तीन देशों के राजदूत यहां पर हैं, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत अयोध्या के प्रमुख साधु संत इस वक्त मंच से ठीक सामने यहां मौजूद है। क्योंकि आज रामकथा पार्क में ही यह प्रमुख कार्यक्रम है, जहां पर अयोध्या की पूरी तस्वीर दिखाई देगी। यहां पर थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई और हेलीकॉप्टर से ही यहां पर आगमन हुआ, जो श्री राम और सीता के रूप में सांकेतिक तौर पर यहां पूरा कार्यक्रम रखा गया है और यहां उनका पूरा स्वागत किया गया, यहां पूजन किया गया। और अगर हम तस्वीरें आपको यहां से दिखाना चाहें, आप देखिए तो इस वक्त यहां पर पूरा मंच सजा हुआ है दीपोत्सव 2021 का, जहां पर आप देखिए भगवान श्री राम और सीता मैया विराजमान है। इसके साथ ही साथ जो अयोध्या के साधु संत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क में है, यहां पर इनका भाषण भी है। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि हम आपको अगर इस पूरे कार्यक्रम के बारे में बताना चाहें कि आज योगी आदित्यनाथ इसी मंच से अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट 2047 को भी लॉन्च करेंगे, जिसमें अयोध्या के विकास की पूरी रूपरेखा होगी, भविष्य की अयोध्या कैसी रहने वाली है इसकी पूरी जानकारी देंगे। और रामकथा पार्क में हर साल योगी आदित्यनाथ इस तरह के कार्यक्रम करते रहे हैं और इस रामकथा पार्क के कार्यक्रम के बाद राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ सरयू किनारे आरती का भी आयोजन होगा और फिर इसी मंच पर देर रात तक रामलीला का मंचन होगा। अलग अलग देशों के कलाकार रामलीला के मंचन के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। कुल मिलाकर आप देखिए तो अयोध्या का दीपोत्सव 2021 दो कोविड काल के बाद काफी अहम है और यहाँ पर आपको रोशनी से पूरा शहर जगमग नजर आएगा।